हेलो पॉप लिसनर्स, तो कैसे हो आप लोग। तो स्टार्ट करते हैं एमीवे से। तो फुकरा इंसान जो है वो एमीवे के डिस्ट्रैक्ट के ऊपर रिएक्ट करते हैं किंग ऑफ इंडियन हिप हॉप पे, और एमी और स्टैन के बीच में जो चीजें चल रही है उस चीज के बारे में भी वो बात करते हैं और एमीवे को सपोर्ट करते हैं। एमीवे का गाना कैसा लगा भाई? टू बी ऑनेस्ट, आई बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब मेरे को ऐसे मेरा पूरा सिचुएशन देखा ना कि एमसी स्टैन को एमीवे ने फुल सपोर्ट करा था कपिल जब वो बिग बॉस के अंदर था, और जब कोई तुम्हारे को सपोर्ट कर रहा है, सामने से इनिशिएट कर रहा है कि भाई मैं दोस्ती कर लेता हूँ, दोस्ती करते हैं, सारी बातें पुरानी भूल जाते हैं, तो भाई फिर तुम उसको जाके अगर पोक करोगे तो वो गलत है। एमसी स्टैन ने गलत करा था पोक करके कपिल शर्मा शो में, तो भाई फिर तुम्हें पता है एमीवे बीफ के मामले में तो भाई पीछे हटता नहीं है ना, ये तो यू शुड नो इट। एंड सही है भाई, मतलब पूरी इंडस्ट्री ना पीछे पीछे कहीं ना कहीं एमीवे को बहुत पोक करती है, और मतलब इन्फ्लुएंसर्स भी एमीवे को अगेंस्ट है बहुत ज्यादा। भाई ठीक है भाई, जिस उस बंदे ने जितना कमाया है 20 मिलियन सब्सक्राइबर, बहुत कमाया है भाई, तो इज्जत तो यार हर 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 बंदे की करनी चाहिए। मतलब मैं ये समझता हूँ एमीवे ऑल्सो डिजर्व्स इक्वल रिस्पेक्ट। एमसी स्टैन को बहुत पसंद है, कृष्णा बहुत पसंद है, बट यू यू कांट इग्नोर एमीवे यार, क्रेजी। और जो ट्रैक था 8 मिनट भाई, आग बरस रही थी, आग। बैड बॉय भी मेरे आगे बनते गुड बॉय, वो तो भाई क्या ही लाइन थी भाई, क्रेजी भाई, क्रेजी क्रेजी नाइस। बहुत अच्छा ट्रैक लिखा था, मतलब सब था उसमें। साथ ही मैं आप लोग को बता दूं कि अभी डिवाइन जो है वो एमसी स्टैन को फॉलो करने लगे इंस्टाग्राम पे। तो अब नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। तो पैराडॉक्स का एक पॉडकास्ट आने वाला है अफेक के साथ में, तो अब इसका एक स्नैपेट देखने को मिला है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। सीधे मौत, व्हाट डू यू थिंक अबाउट? मैंने बहुत सुना है सीधे मौत, और बहुत आइडियलाइज करा है मैंने उनकी, बहुत पुरानी पुरानी वीडियोस देखी हैं, स्पिट टॉप वगैरह की बैटल्स देखे हैं उनके, मोस्टली दिल्ली का सीन समझा है उन लोगों की वजह से। सीधे मौत का एक गाना भी रिमिक्स करा था मैंने। अच्छा। फिर मैं गया उधर, मिला कोर्ट भाई के उधर, मैंने सुनाया, फिर अगले दिन सीधे मौत का कमेंट आ गया था ऑफिशियल चैनल से, लाइव पे रिएक्ट भी करा था, मैं काफी खुश हुआ था। आज में शो भी होने वाला था भाई, मैं जो हनीफा जी का 3.0 का लॉन्च भी था, सीधे मौत मैं और हनीफा, वहाँ के कुछ ऑर्गेनाइजर्स की बीटी की वजह से ना सीधे मौत का हो नहीं पाया शो, और सृष्टि और मेरा भी नहीं हो रहा था, पर हमने फिर 5-5, 10-10 मिनट कर लिया था क्योंकि ऑडियंस बहुत सारी रही थी हमारे। अच्छा। और सीधे मौत का भी हो जाता पर उन लोगों ने मना कर दिया था, पर हम लोग समाओ थे वहाँ पे, तो हमें बता दिया, हम फिर बाद में मिले, फिर मैं ऐसे हो गया यार आपके साथ। इसके अलावा सीधे मौत की जो मिक्स टेप आने वाली है उसके बारे में काम बात करते हैं, और कुछ ऐसा लिखता है, गोइंग ऑन अ लंच ब्रेक, 30 सॉन्ग्स नेक्स्ट मंथ। एमसी हेडशॉट का जो अमी तोमा के ट्रैक था उस पर भी 5 मिलियन स्ट्रीम्स हो चुके हैं। तो अब बात कर लेते हैं शुभ के बारे में। तो शुभ की जो एल्बम आई है उसमें जो चेक ट्रैक है उसके ऊपर एक रील बनाई थी सुरेश रायना ने, तो उसको शेयर करते हैं शुभ अपनी स्टोरी में। इसके अलावा 47 ने अपने नेक्स्ट ट्रैक के बारे में बताया है, नेक्स्ट वन बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। मी मैक्स का सोलो ट्रैक आउट हो चुका है, खुल्लर जी का अश्लील छोरा ट्रैक का पोस्टर अभी आउट हो चुका है, लक्ष्य का फीलिंग माई पेन ट्रैक आउट हो चुका है, और विजय डी के का जो नेक्स्ट ट्रैक होने वाला है जिसका नाम है गूज बम्स, उसका भी पोस्टर आउट हो गया है। तो इसी के साथ मिलता हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।